तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि स्वर होता क्या है। ठीक है, थ्योरी तो चलती रहेगी, थ्योरी साथ में रहेगी तो कंसंट्रेशन बिगड़ता है। ठीक है, स्वर, आप सांस ले रहे हो? सब लोग सांस ले रहे हो? पक्का, फाइनल, लॉक कर दे? ठीक है, तो अब ये जो सांस आप ले रहे हो ना, इसी को स्वर कहते हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल चीज है ना, हम साथ लेके चलते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता इसे क्या कहते हैं और क्या इसका यूज है, राइट? तो चलिए, आप सब लोग मुझे ये बताएंगे कि अच्छा, सांस कहाँ से लेते हो? नाक से? एक राइट नोस्ट्रिल होती है और एक लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, राइट? अब आप मुझे बताओगे कि इस वक्त आप सांस कौन सी नोस्ट्रिल से ले रहे हो? अनम्यूट योर सेल्फ एंड से। राइट आप राइट से ले रहे मैम, मेरा लेफ्ट एक्टिवेटेड है अभी। हो, लेफ्ट एक्टिवेटेड है क्योंकि आपका ध्यान यहाँ नहीं है। अल्फा जी आप बताइए, मैं बताती हूँ क्यों हाँ आएंगे। लेफ्ट, हाँ आपका भी लेफ्ट है, एक बार चेक कीजिए मैम फिर मेरा से। राइट है। सॉरी मैम, मेरा राइट है मैम। वेरी नाइस, राइट राइट। सबसे पहले तो हम इसके दो तीन तरीके सीखते हैं कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज होती है कि आप अपनी दोनों उंगलियों को यहाँ रख सकते हैं और जिसके ऊपर हवा आ रही है, एक से नहीं दोनों, क्योंकि एक दोनों रखिए और फिर चेक कीजिए। राइट ठीक है, दूसरा ये है कि एक पेपर ले लीजिए, पेपर होता है ना छोटा सा पेपर, दो पेपर लीजिए और दोनों को यहाँ रखिए, और जिससे सांस आएगी वो नीचे जाएगा, और वैसी बात है पतला होता है हल्का होता है, तो आप इससे भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रैक्टिकलिटीज कि सांस को आप कैसे पता कर सकते। लेफ्ट हाँ जी में थोड़ा सा कम आ रही है और राइट में ज्यादा आ रही है। हाँ, अब मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है। जो लोग जिन लोगों का 100% प्रेजेंस यहाँ पर है, उनका राइट स्वर चलेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आप सीखने आए हो, तो आपका गुरु तत्व जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये अननोइंगली होता है, देखो। ठीक है, और जहां आपका डिस्ट्रैक्शंस हैं या आपका ध्यान थोड़ा सा भी है कि पहले ये वो सब, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, वो भी आज हम सीखेंगे कि कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो स्वर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने सब बता दिया कि किस क्या स्वर होता है, किसको स्वर कहा जाता है। ठीक है ना, अब उसमें एक चीज ये है, वो डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ, थोड़ा सा जिस्ट है कि हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह से हम इसको प्रोसेस मिलेंगे। स्वर योगा क्या है? ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज होती है, इसका जो योगा होता है, किस तरह से लेना है ना, किस स्पीड से लेना है, कितना रोकना है, कब लेने हैं, कब लेनी है और कब पॉज करना है, ओके, इसको हम योगा कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्वर योगा। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, इफ इट्स ऑल ओके विथ यू ऑल। काम करते, स्क्रीन को ही बड़ा कर देते। ओके।